कराची कारसाज रोड के हवाले से तो हमने बहुत सारे किस्से सुन रखे हैं, ख़ास तौर पर वो किस्सा जिसमें एक दुल्हन का जिक्र किया जाता है। वो दुल्हन जो आधी रात को या तो सड़क के बीच में किसी से लिफ्ट मांगती है या फिर सड़क किनारे चल रही होती है, अमूमन उसके पैर भी उल्टे होते हैं, यानी कि वो कोई इंसान नहीं होता या कोई जिन होती है तो या फिर कोई चुड़ैल। लेकिन क्या आपने कभी लियारी एक्सप्रेसवे के हवाले से कोई वाक्या या किस्सा सुना हो? एग्जैक्टली, आज के हमारे एपिसोड की पहली कहानी लियारी एक्सप्रेसवे के एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट से जुड़ी है, जो कि हमारे साथ शेयर की है एक हमारे बहुत अच्छे लिसनर मोहम्मद रजा ने। इनका ताल्लुक कराची से है और ये वही जनाब हैं जिन्होंने कराची यूनिवर्सिटी का वाकया भी शेयर किया था। अगर आपने वो कहानी नहीं सुनी तो वो कहानी मैं कमेंट्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, डू चेक इट आउट। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डूड हॉरर एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हॉरर स्टोरीज, जहां मैं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूं। सो अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है जो आप इस चैनल के थ्रू दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस ईमेल के ऊपर अपनी स्टोरीज लिखकर आप सेंड कर सकते हैं। आज की स्टोरीज को सबमिट किया है रजा अब्बास, शाफीन, लैला, उस्मान, दानिया मलिक, जिया बलोच और मरियम ने। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा नाम मोहम्मद रजा है और मैं आपके साथ पहले भी स्टोरी शेयर कर चुका हूँ कराची यूनिवर्सिटी की। ये जो इंसिडेंट है कराची लियारी एक्सप्रेस का है। सर्दियों की रात थी जब मैं और मेरे बॉस जो किसी काम के सिलसिले में हम दोनों मिलकर हब जा रहे थे। हमारा काम नेटवर्किंग से रिलेटेड है। मैं ड्राइव कर रहा था और जो मेरे बॉस जो कि मेरे साथ वाली सीट पर बैठे थे, टाइम कुछ 3 बजे के आसपास का था। हम एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे। मेरा पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था। जो लियारी एक्सप्रेसवे यूज़ करते हैं उनको ये पता होगा कि वहाँ पर एक ऐसा रोड आता है जब लेफ्ट साइड की तरफ से पुल ऊपर होता है और उस तरफ घर बने हुए होते हैं, तो ज़रा भी मुमकिन नहीं है कि वहाँ से कोई जानवर या इंसान पुल पर आ जा सके। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं ड्राइव कर रहा था, बस अचानक कहीं से एकदम एक गाय भागती हुई हमारी तरफ आई और मेरी गाड़ी के बोनट से ज़ोर से टकराई और उछल कर पीछे की तरफ गिर गई। मैंने फौरन ब्रेक लगाई और गाड़ी से उतरकर पीछे गया। वहाँ यकीन करें कोई भी नहीं था, ना तो कोई जानवर और ना ही किसी और चीज़ का कोई वजूद जो वहाँ पर मौजूद हो। फिर मैंने कार से टॉर्च निकाली और दूर तक देखने लगा। पुल के साइड पर भी देखा कि कहीं गाय नीचे ना गिर गई हो। खैर इतना था कि मेरे बॉस ने मुझे आवाज़ लगाई, रजा गाड़ी में जल्दी आओ और चलो। बॉस कुछ मामला समझ गए थे और बोलने लगे गाड़ी तेज चलाओ जल्दी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मैं अपने सेंसेस में नहीं था। जब मैंने गाड़ी चलाना शुरू की और तेज़ी से चलाई तो मैंने गाड़ी के रियर व्यू में जब देखा तो वही गाय जो हमारी गाड़ी से टकराई थी भागती हुई आ रही थी। मेरे बॉस ने बोला तुमने रुकता नहीं, गाड़ी चलाते रहो। फिर बॉस ने कोई आयत पढ़ना शुरू कर दी। मेरी तो उस वक्त हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं बस गाड़ी भगा रहा था और रियर व्यू में देखने से अवॉइड कर रहा था। फिर एकदम वो गाय कहाँ गई कुछ पता ही नहीं चला। बस फिर आगे जहाँ गार्डन पर पुल लेफ्ट की तरफ उतरता है वहाँ से गाड़ी नीचे उतारी, एक शॉप पर रोकी। मेरी हालत अजीब थी। बॉस ने शॉप से पानी लिया, मेरे ऊपर पानी डाला, पानी के छटे मारे और मुझे पिलाया भी। फिर हमने गाड़ी को देखा तो गाड़ी बिल्कुल सही सलामत थी, एक भी स्क्रैच नहीं था। इतनी भारी गाय अगर गाड़ी से टकरा जाए तो गाड़ी का कुछ तो नुकसान होना था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर बॉस ने बोला जब तुम आगे टॉर्च लेकर जा रहे थे मैं तभी समझ गया था कि कुछ ठीक नहीं है, ये कोई और मखलूक है। जब मैंने तुम्हें फौरन आवाज़ दी कि गाड़ी में जल्दी आओ तो उसकी वजह यही थी। बस ये इंसिडेंट था जो कि हमारे साथ हुआ, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आप सबको ये किस्सा पसंद आया होगा। मेरा नाम शाफीन है और मैं सियालकोट से अपना ताल्लुक रखती हूँ। ये वाकया मेरी दादू की बहन की बहू से वाबस्ता है और तकरीबन आज से 30 साल पुराना है। मेरी दादू की बहन की शादी जिस घर में हुई वो घर जो कि बहुत पुराना है, कम से कम इतना पुराना कि जब वो 1947 में इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए और तब से वो लोग उसी घर में रिहाइश पसीद हैं। वो घर काफ़ी पुरेसरार था। पहले पहल उनके मुताबिक थोड़े बहुत अजीब मामलात पेश भी आए, लेकिन बाद में कुछ वो लोग भी इन चीज़ों के आदी हो गए और आहिस्ता आहिस्ता किसी हद तक ये मामलात भी कम हो गए। लेकिन कभी कभार जब घर में एक दो फर्द मौजूद होते तो फिर ये चीज़ें या फिर ये गैर मामूली ताकतें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी और उन्हें डराया करती थी। फिर घर वालों ने एक दफ़ा किसी आमिल को बुलाया और उसने कुछ अमल किया।
और उनके घर की दूसरी मंजिल पर एक कमरा मौजूद था जिसे उसने खुद बंद किया और ताकीद की कि इसे सिर्फ जरूरत के वक्त ही इस्तेमाल किया जाए और बंद रखा जाए, खास तौर पे बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाए, बच्चों का दाखिला यहाँ सख्ती से मना हो। फिर उसके बाद तमाम मामला ठीक हो गए। अब तकरीबन इस बात को 25 से 20 साल गुजर गए और उनके बेटे की शादी की तैयारियां चल रही थी और चूंकि घर छोटा भी था और नीचे वाला पोर्शन पहले से ही उनके इस्तेमाल में था तो उनके बेटे ने कहा कि मुझे दूसरी मंजिल पर जो कमरा है वो इस्तेमाल करने के लिए मुझे दे दिया जाए। अब यहाँ एक और बात वाजह हो जाए कि जो उनका बेटा था वो इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में इतना यकीन नहीं रखता था। दादू की बहन ने काफ़ी समझाया लेकिन उनके बेटे के ज़्यादा इसरार करने पर उन्होंने उस कमरे में कुरान खानी करवाई और वो कमरा उसे दे दिया। शादी के 2 हफ्तों बाद से उसकी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, जो कि मेरी दादू की बहन समझ गई कि ये शायद उस कमरे को इस्तेमाल करने की वजह से है। अलबत्ता दम वगैरह करवाने के बाद उनकी बहू ठीक हो गई और फिर शादी के 2 महीने बाद उनका बेटा भी बैरून मुल्क वापस चला गया और मेरी दादू की बहन ने फिर अपनी बहू को भी उस कमरे के मुतल्लिक सब कुछ बता दिया और वहां सोने और बिला वजह जाने से मना किया। पर उनकी बहू के जहेज का ज़्यादातर सामान उसी कमरे में मौजूद था, इस वजह से उन्हें तकरीबन रोज़ाना वहाँ पर जाना पड़ता था। एक दिन मगरिब के बाद उनकी बहू उस कमरे में कुछ बर्तन लेने गई और काफ़ी वक्त गुजर गया पर वो नीचे ना आई। मेरी दादू की बहन ने उसे आवाज़ें भी दी लेकिन उसका कोई भी जवाब ना आया। फिर मेरी दादू और उनका बड़ा बेटा ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि वो ज़मीन पर पड़ी हुई है, उसकी गर्दन मुकम्मल तौर पर पीछे की तरफ मुड़ी हुई है, जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से उसकी गर्दन को कमर की तरफ घुमा दिया है और उसके मुंह से झाग भी निकल रही थी। अगर उसके हाथ पांव की बात की जाए तो उसके हाथ पांव बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मुड़े हुए थे और उस मौके पर वो बहू इंतकाल कर चुकी थी। मजीद हैरत की बात यह है कि उसके जिस्म पर कोई निशान नहीं था जिससे कि ऐसा लगे कि ये किसी इंसान का काम है। मेरा नाम ज़िया है और मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी हैं। मुझे बहुत पसंद है आपकी वीडियोस और मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो हमारे पुराने घर से मुंसलिक है। हम लोग जिस घर में रहते थे वो घर बहुत छोटा था पर हमारी फैमिली बड़ी थी तो इसलिए हमने एक घर ढूंढना शुरू कर दिया। जल्दी में एक घर तो मिला लेकिन वो घर काफ़ी पुराना बना हुआ था जिसमें 5 बेडरूम थे और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। शिफ्टिंग ही चल रही थी, मेरी मामी हमारे घर थी, मगरिब का टाइम था, वो छत पे अपनी बेटी को देखने गई। फिर एकदम वो वहाँ से चीखती हुई वापस आई और बुरी तरह रोने लग गई, उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई। फिर जब तक वो होश में आई उनसे पूछा तो बताया उन्होंने कि जब वो सीढ़ी पे जा रही थी तो उनको ऐसा लगा कि कोई उनके साथ हम कदम चल रहा है। फिर जब उन्होंने देखा तो कोई भी नहीं था। फिर उस घर में हमारा 3रा दिन था जब मेरी अम्मी का एक्सीडेंट हो गया और उनका हाथ टूट गया। फिर उसके बाद लगता तो सबको था कुछ ना कुछ लेकिन कोई इसके बारे में कभी कुछ कहता नहीं था। उसके बाद हमारे घर में बहुत लड़ाई होने लगी, छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़ी बात बन जाती। रात में जब कोई जाग रहा हो देर तक तो महसूस होता है कि कोई आसपास है और उसकी मौजूदगी बकायदा महसूस होती है, आवाज़ आती है अजीबोगरीब। फिर हमने एक आमिल को इस सब के मुतालिक बताया, उन्होंने फिर बोला कि जिस घर में आप रहते हो उसमें एक नहीं बहुत सारे जिन्नात हैं। उन्होंने हमसे कहा कि मैं आपके घर आऊँगा। फिर वो हमारे घर आए, सब घर वालों के बीच में बैठे कि घर के चारों कोनों पर कुछ पड़ा और कहा कि अब आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा बट जितनी जल्दी हो घर छोड़ दो। और ये भी बताया कि अम्मी के एक्सीडेंट की भी वजह इसी से जुड़ी है जो उनके साथ नुकसान हुआ था लेकिन इसके बावजूद भी वालिदा बच गई। इन सब चीज़ों का बसेरा हमारे भाई के रूम में था जो कि घर के कोने में सबसे बड़ा रूम था। फिर एक दिन मेरी भाभी सो रही थी तो उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि कोई सामने बैठा है और वो बहुत डर गई उसको देखकर। भाई को बताया, भाई ने कहा तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। फिर भाभी की तबीयत खराब हो गई, वो चीखे मार के रोती रहती थी और फिर मेरा भाई उन पे सूरजिन वगैरह पढ़कर फूंकता तो वो सही हो जाती थी। मेरे भाई बताते हैं कि उन्होंने भी अपने रूम में बोने को घूमता हुआ देखा पर भाई ने इस सब के मुतालिक किसी को ना कहा और ना ही किसी को बताया क्योंकि कोई डर ना जाए इस नीयत से। फिर एक दिन जिनका घर था वो भाई के साथ बैठे थे, उन्होंने कहा कि जिन बाबा तंग तो नहीं करते आप लोगों को। फिर
अब इस बात को सुनते हुए भाई बेहद हैरान हुए कि ये मजाक में तो उन्होंने बात की है, लेकिन ये बात इन्होंने क्यों की है जबकि इसका हकीकत से भी ताल्लुक है। तो उन्होंने बताया कि उन लोगों ने भी इन्हीं चीजों से तंग आकर घर छोड़ा था और मेरे भाई की आदत है रात देर तक जागने की। और एक दिन वो नीचे हमारे पार्किंग एरिया में खड़े थे, वहाँ एक बॉल पड़ी थी जो रात के वक्त खुद ही नीचे गिरी जैसे कोई खेल रहा हो। लेकिन मेरा भाई डरता नहीं था तो वो ऊपर घर आकर इस बात को इग्नोर करके सो गया। उसके अलावा एक दिन मैं छत पे अकेले बैठी थी, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा है। जब मैंने देखा तो कोई भी नहीं था मेरे अलावा छत पे, तो मैं नीचे घर में आ गई। उस घर में कुछ मामलात की वजह से लड़ाई चल रही थी जिसकी वजह से मुझसे कोई बात नहीं करता था, तो मैं पूरा टाइम अपने ड्राइंग रूम में बैठी रहती थी और रोती रहती थी। तो वहाँ रोज मेरे साथ थोड़ी देर कोई आकर बैठता था और मुझे लगता था कि खाली मैं नहीं बल्कि मेरे साथ कोई और भी रो रहा है, बट मुझे डर नहीं लगता था। खैर, फिर हमने वो घर आखिरकार छोड़ दिया और दूसरे घर आ गए। फिर हमारी मामी को उस घर में एक ख्वाब आया कि उस घर में इंसानी जिस्म के कटे हुए हिस्से पड़े हैं और वो इंसान रो रहा है, चीख रहा है कि वापस आओ वापस आओ। नए घर में आए हुए अब साल दो साल होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ऐसा कोई भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट हमारे साथ पेश नहीं आया और हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और हम सब खैरियत से और सलामती से उस घर से निकलकर एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। ये कहानी थी मेरी और एंड में मैं यही कहना चाहूंगी कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसी चीज़ों से महफूज रखें क्योंकि ये चीज़ें घर का सुकून बर्बाद कर देती हैं। मेरा नाम लैला है और मैं रावलपिंडी में रहती हूँ। आपके चैनल की हर स्टोरी सुनती हूँ और इसीलिए आज एक अपनी ज़िंदगी का वाकया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाकया 2016 का है जब मैं 16 साल की थी। मैं अपनी मामा के साथ अपने दादा दादी के घर रहती थी और वो घर बहुत बड़ा था। हमारे साथ में मेरे चाचा और ताया और पप्पा और उनकी फैमिलीज भी रहती थी, तो बेसिकली एक जॉइंट फैमिली था। हमारे उस घर में बहुत से जिन्नात थे और ये बात घर में सबको मालूम थी। वैसे तो उस घर में बहुत से क्रीपी मामलात होते थे, वो भी आए रोज़। मेरे साथ भी बचपन से ही ऐसे ही सिलसिले हो रहे हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ एक दिल दहला देने वाला वाकया शेयर करूँगी। हम यानी मैं और मेरे बहन भाई और वालिदैन उस घर के फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। यहाँ हमारे पास दो रूम्स थे, मामलात तो उन दोनों रूम्स में ही थे, लेकिन एक रूम में हमारा आना जाना था, पर वहाँ हम ज़्यादातर टाइम स्पेंड नहीं करते थे, बस सोने जाते थे और सुबह मामा बाबा के रूम में आ जाते थे, क्योंकि उस रूम का अक्सर रात को पंखा खुद ही ऑन हो जाता या लाइट्स ऑफ हो जाती या फिर ऑन हो जाती, और तो और दरवाज़ा अंदर से लॉक हो तो खुद ही खुल जाता था, और बहुत सारे मामलात इस तरह के पेश आते थे। एक दिन मेरी दादी ने मेरे मामा बाबा से झगड़ कर उस रूम को लॉक कर दिया बाहर से। अगले दिन हमें वो रूम लॉक होने के बावजूद खुला मिला और हमारा सारा भारी सामान, बेड, सूट केस, सब कुछ रूम से बाहर पड़े हुए थे जैसे किसी ने उन्हें फेंका हो बाहर। लेकिन इस सब की किसी को आवाज़ नहीं आई, ना ही किसी फर्नीचर हिलने की, ना रूम खुलने की, हालांकि हम सब का आना जाना उस जगह से बहुत आम बात थी। हमने सामान दोबारा रखा और रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया, बट मामा ने लॉक नहीं किया। मेरी दादी फिर आई, उन्होंने फिर लॉक लगाया। मेरी मामा ने उन्हें मना किया कि आप इस कमरे को मत लॉक करें, हम उस रूम में नहीं जाएंगे क्योंकि ये किसी मखलूक की गुजरगाह है, तो आप ऐसा मत करें। लेकिन मेरी दादी ने जाने अनजाने में कुछ अल्फाज कह दिए जो उनकी जान ले गए। मेरी दादी ने कहा कि मैं देख लूँगी कि कौन जिन है जो दरवाज़ा बंद नहीं होने देगा, भला मुझसे बड़ा भी कोई जिन है, और फिर जाकर उस रूम को अगेन लॉक कर दिया। इस बात की अगली शाम में अपनी मामा के साथ मैं किचन में काम कर रही थी कि हमें हमारी दादी की चीखने की आवाज़ें आईं। देखा तो दादी हमारे उस रूम की तरफ जाने वाली जो सीढ़ियाँ थी उनके पास गिरी हुई थी और ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। हम भागते हुए उनके पास गए, उन्हें उठा के रूम में लेके गए। बज़ाहिर तो उनको कोई चोट नहीं थी, लेकिन वो दर्द में तड़प रही थी और कह रही थी कि मेरी टांग किसी ने उखाड़ दी है। जब सबने उनसे पूछा कि वो गिरी कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें काले रंग की बिल्ली नज़र आई थी जो उन स्टेयर्स के पास थी, और इनकी आवाज़ से भागने पर भी वो नहीं भागी थी। तो उन्होंने जाके पाँव से डराने की कोशिश की और ऐन वक्त किसी ने उनकी टांग खींच के उन्हें गिरा दिया, क्योंकि बज़ाहिर चोट नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन दादी की कंडीशन को देखते हुए उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ पता चला कि मेरी दादी की टांग उनकी बॉडी से अलग हो चुकी है। यहाँ तक कि जो जॉइंट जो टांग के ऊपर से बॉडी को जोड़ता है
वो ही टूट गया था। फिर काफ़ी ऑपरेशंस के बाद मेरी दादी की टांग ठीक हुई, लेकिन उसके दो दिन बाद मेरी दादी की एक दिन अचानक वफात हो गई। मेरी मामा ने इस दौरान वो जो भी मखलूक थी उनसे भी माफ़ी मांगी मेरी दादी की तरफ से, लेकिन अफसोस वो बच ना पाई। ये मेरी ज़िंदगी का एक वाकया है, और भी बहुत से वाकयात जो माजी में मेरे साथ पेश आए और अभी भी आ रहे हैं, लेकिन वो फिर कभी शेयर करूँगी। मेरा नाम उस्मान है, ये बात 7 साल पहले की है। मेरी सिस्टर, उनके हस्बैंड और मेरा भाई दुबई में रहते थे, और मेरी बहन उम्मीद से थी तो वालिदा भी दुबई चली गई उनकी देखभाल के लिए। भाभी को उनके मैके भेज दिया क्योंकि अकेली वो मेरे साथ तो नहीं रह सकती थी, और मुझे नानों के घर भिजवा दिया गया जो कि हमारे घर से 3 घर छोड़ के नानों का घर है। लेकिन मैं वहाँ जस्ट खाना खाने ही जाया करता था और बाकी टाइम अपने घर पर गुजारता था। थोड़ी आज़ादी मिल गई थी। खैर, कुछ दिन अच्छे गुजरे, मेरे कज़न और दोस्त वगैरह आते जाते थे, हंसी मजाक लगा रहता था। बट एक दिन ऐसा हुआ कि सब कज़न वगैरह जब चले गए तो टाइम ऑलमोस्ट 2 बजे का था। मैं टीवी पे मूवी देख रहा था कि अचानक तूफान आ गया, बाहर तेज़ हवा चलने लगी और एट द सेम टाइम लाइट भी चली गई। हवा की वजह से एसी के ऊपर वालिदा ने जो सर्दियों में कवर लगाया हुआ था प्लास्टिक का, उसकी हिलने की आवाज़ आने लगी। अब थोड़ा अजीब लगा मुझे, बट मुझे पता था कि एसी की कवर की आवाज़ है, और उसके बाद मेन गेट के जो लोहे का दरवाज़ा था उसके हिलने की आवाज़ भी मुझे आने लगी। और जब ये सारा मामला एट अ टाइम हो रहा था तो अब मुझे मामला काफ़ी वियर्ड लग रहे थे, क्योंकि जब भी तूफान आता तो वो लाजमी हिलता था, यहाँ तक कि मैं नॉर्मल ही था। 10% खौफ मेरे अंदर आ चुका था इस वक्त, बट इसके बाद जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था। मेरे रूम का जो दरवाज़ा है जो कि वुडन है, वैसे हिलना स्टार्ट हुआ जैसे उसे पकड़ के ज़ोर ज़ोर से कोई हिला रहा हो। नॉक करना अलग होता है, उसे कोई झंझोड़ रहा था। ऐसा पहले भी किसी तूफान के आने पे कभी नहीं हुआ। इस एक्टिविटी के बाद मैं इतना खौफजदा हुआ कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं बता सकूँ। खैर, अब ना मैं रूम में बैठने की हिम्मत मेरे अंदर हो रही थी और ना बाहर जाने की। और फिर 2 मिनट्स बाद दोबारा से दरवाज़ा हिलना स्टार्ट हुआ, और इस टाइम बहुत ज़ोर से हिल रहा था। मैंने ऊंची ऊंची आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी और डिसाइड किया कि मैं भागकर बाहर चला जाऊं किसी भी तरह, और बाहर जाने के बाद मैं घर से बाहर निकल जाऊं और रोड वाली साइड पर आ जाऊं। मैंने जब ओपन किया दरवाज़ा तो ओपन करते साथ मैं पहले से रेडी था भागने के लिए, तो मैं दरवाज़ा ओपन करके जब भागने लगा तो आगे जो मैंने देखा कि मेरे सामने छोटे छोटे 20-30 बच्चे या बच्चों के साए हैं, कुछ ऐसा ही अक्स मुझे मेरे जहन में अभी भी याद आता है। उनके बीच से भागता हुआ मैं दरवाजे तक पहुंचा, दरवाज़ा खोलकर कम से कम 1 किलोमीटर तक मैं लगातार भागता रहा, और उसके बाद मुझे एक सेफ प्लेस यानी कि जो जीटी रोड थी वहाँ पर एक ट्रक होटल पर पहुँच के मैंने वहाँ अपनी रात गुजारी। उसके बाद सारा मामला अपने मामू जान को बयान किया। मामू ने एक साहिब इल्म को सब कुछ बताया। वो घर आए, उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, शायद उस टाइम तूफान की वजह से वो मखलूक जो भी थी वो तूफान से बचने के लिए अंदर आना चाह रही हो। बट मैं दोबारा अम्मी के वापस आने तक नानों के घर ही रहा। वो जो कुछ हुआ, मैं जैसे उनके दरमियान से भागा, मुझे आज भी याद है, और ये बात मुझे डरा देती है, और उस टाइम की कैफियत मैं बता नहीं सकता क्योंकि अल्फाज उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। मेरा नाम मरियम है और मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। ये वाकया बहुत ही मुख्तसर लेकिन मेरे खुद के साथ हो चुका है। जब भी याद करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये इसी साल छोटी ईद का वाकया है जब मैं और मेरी फैमिली अपनी नानी के घर ईद मनाने के लिए गए थे। ईद के तीसरे दिन हम अपने मामू के घर उनसे मिलने के लिए गए जो कि हमारी रिहाइश से उनका घर पिछली जानिब को आता है। वहाँ सब मिलजुल कर बैठे ही थे कि मेरे कज़न का बेटा जो तकरीबन 3 साल का है, सो के उठने के बाद अपने किसी खिलौने के ना मिलने पर रोने लगा। मालूम किया तो पता लगा कि जब वो सोया था तो उस खिलौने को साथ लेकर सोया था। मेरे कज़न, मेरी भाभी, मामी मामू सब ने यही हामी भरी कि खिलौना उसके सिरहाने रखा था। खैर, हम सब ने मिलकर खिलौना ढूंढने की कोशिश की। घर का हर एक कमरा जहां मेरे कज़न का बेटा सोया था, वो कमरा हर चीज़ यूं कहें कि घर को उल्टा कर दिया था, लेकिन उस खिलौने का कहीं नामो निशान न था। बच्चा मुसलसल रो रहा था, उसको बहलाया और सबके पास बिठाया जैसे हर बच्चे को बहलाया जाता है। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट की ड्यूरेशन थी जब ये सब हो रहा था।
इतने में भाभी अपने रूम में गई जहाँ उनकी अम्मी नमाज पढ़ रही थी और वो खिलौना उनके ही बिस्तर पर पड़ा हुआ था जहाँ से उनका बेटा उठकर आया था और जहाँ हमने बार बार देखा था। उनकी अम्मी से पूछने पर मालूम हुआ कि अभी तो उनका बेटा खेलते खेलते आके ये खिलौना यहाँ पर रख गया है, जबकि वो बच्चा पिछले 15 से 20 मिनट लगातार रो रहा था। मेरी मामी को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने बताया कि शायद हमारे घर में कोई छलावा है जो शायद बच्चे की शक्ल में मालूम होता है। क्या है, क्यों है, हम नहीं जानते, लेकिन इससे पहले भी उनके साथ ऐसे वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। मेरा ताल्लुक इंडिया से है और ये बात 2010 की है, जब मैं कुछ 8 बरस की थी और मेरी बहन 15 साल की थी। 2010 में हम अमेरिका जा रहे थे फिर से कुछ वक्त के लिए। समर वेकेशन चल रही थी तो स्कूल्स का मसला नहीं था। मेरे पापा के एक भाई वहाँ रहते थे जिसने हमें 2 मंथ्स के लिए उनकी सेम बिल्डिंग में एक फ्लैट लेकर दिया था। मैं और मेरी बहन उनके बच्चों से बहुत क्लोज थे। एक महीना गुजर गया और हमारी बिल्डिंग में दोस्त भी बने। मेरे ताया की मोबाइल्स की शॉप थी जो वो ओन करते थे। उनके ऑफिस के बेसमेंट में एक रूम था जहां वो रेस्ट करते थे और उसके बाजू में एक छोटी सी मस्जिद थी जहां सब मुस्लिम एम्प्लॉयज नमाज पढ़ा करते थे। वीकेंड्स का टाइम था, ताया और उनकी फैमिली घूमने निकल गए। मेरे ताया ने पापा को कॉल करके बताया कि वो अब ड्राइव करने के लिए बहुत थक चुके हैं तो लिहाजा आज की रात वो उस बेसमेंट के कमरे में ही गुजारेंगे। हम भी थोड़ी देर में सब सो गए क्योंकि रात का वक्त था। अब आधी रात को क्या हुआ कि मेरे जो वालिद साहब थे उनका फ़ोन बज उठा। पापा नींद में से उठे, सुनकर तो देखी कि 7 मिस कॉल्स थी, वो भी ताया अब्बू की, और वक्त रात के 3 बज रहे थे। उन्होंने जल्दी वापस कॉल बैक की। कॉल करने के बाद पापा ने मामा को उठाया और कहा कि वो ताया को लेने जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मेरे पापा ने हमारे पड़ोसी को उठाया ताकि वो उनकी गाड़ी लेके जा सके। हम सब मामा और पापा की आवाज़ों से उठ गए। हम सब परेशान थे कि आखिर हुआ क्या है। नींद का भी अब दूर तक नामो निशान नहीं रहा था। ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद वो सब वापस आए। उनके चेहरे एकदम सफ़ेद पड़े हुए थे और कुछ डर सा नज़र आ रहा था उनके चेहरों पर। पूछने पर उन्होंने बताया कि जब वो लोग सो गए थे, यानी कि ताया अबू और उनके कुछ साथ और भी थे, तो कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनकर वो सब उठ गए। उन्हें किसी की आपस में गुफ्तगू करने की आवाज़ आई, वो भी उस मस्जिद से, जैसे कोई लोगों की भीड़ आपस में बात कर रही हो। लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी और बहुत गहरी आवाज़ें आ रही थी, और तो और साथ हैवी बैंगिंग्स भी सुनाई दे रही थी। आवाज़ें अब बस बढ़ती जा रही थी। वो लोग बहुत डर गए थे और कमरे का दरवाज़ा उन्होंने लॉक कर लिया था जल्दी से, और उसके बाद उन्होंने मेरे वालिद साहब को कॉल मिलाई। नेक्स्ट डे ताया ने एक एम्प्लॉय से जिक्र किया इस बात का जो कि हाफिज़ कुरान थे, तो मालूम पड़ा कि वो मुस्लिम जिन्नात हैं जो वहाँ पर नमाज़ें पढ़ते हैं रात को, और जब फजर का वक्त करीब था इसलिए वो सब इकट्ठे हुए नमाज पढ़ने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि डरने की बात नहीं है, वो सब मोमिन हैं, अगर फिर भी लग रहा हो तो रात मत वहाँ पर गुजारो। अब इस सिलसिले को हुए 1 साल हो गया था जब साल के बाद ताया जान ने वो शॉप बेच दी थी। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक सब्सक्राइब एंड टैप द बेल नोटिफिकेशन बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स कमिंग। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।